नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और राजकबड़ी में हम बात करेंगे यहाँ रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट को यहाँ डिस्कस करेंगे। और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आरआरबी भोपाल के वेबसाइट पर चले जाइए या और भी आरआरबी के वेबसाइट पर जाएंगे तो आज के डेट में आपको 26 तारीख के डेट में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए 26/11/2021 को CENRRC ग्रुप डी के लिए 2019 के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिला। और नोटिफिकेशन क्या है देखिएगा, बहुत दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है रेलवे के वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट नोटिस है रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो लिंक देना था जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उनके लिए मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया है। हो सकता है कि 10 से 15 दिन तक आपको मॉडिफिकेशन लिंक जो होगा वो एक्टिव होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक पीडीएफ मिलेगा। ये पीडीएफ मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और यहाँ पे देखिएगा ये लिंक किस लिए है, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी करवाया नहीं गया, 1 से 2 दिन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप ए स्कैन फोटो और सिग्नेचर एज पर जो भी है, आप फोटो और सिग्नेचर को सही से रेडी करके अपलोड कीजिएगा अगर आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनके लिए, ठीक है। ये सिंपली लिखा हुआ देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस है रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक है टू डोज कैंडिडेट ओनली हुज अप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, मतलब जिनका अप्लीकेशन रिजेक्टेड है केवल वही यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं, और कोई भी कैंडिडेट अपने फोटो और सिग्नेचर को चेंज नहीं कर सकते इनके अलावा। तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड था तो ही आप उस मॉडिफिकेशन से लॉग इन करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब लिंक कब तक दिया जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डेट आपको नहीं बताया गया, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर बाइंडिंग नो फर्दर कॉन्टेक्ट, ये और बाकी कुछ यहाँ डिटेल दिया नहीं गया है, ठीक है। और कैंडिडेट हु अप्लीकेशन वॉज ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड नीड नॉट अप्लाई अगेन थ्रू लिंक, मतलब अगर आपका एक्सेप्ट हो गया तो आप इस लिंक का आपका कोई काम का नहीं है, वही कैंडिडेट इस लिंक को यूज़ करेंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए आपको आरआरबी के वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा, ठीक है। और जब भी लिंक आएगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, 26 तारीख का ये अपडेट है। अब देखिए रेलवे यहाँ पे क्या करेगा कि इस महीने को निकाल देगा, मतलब ये दिसंबर महीना है ना, दिसंबर महीना यही सब करते हुए निकाल देगा, लिंक देगा और पूरा दिसंबर इसमें खा जाएगा, ठीक है रेलवे। अब फरवरी में आपका कहीं जाके एग्जाम डेट आएगा, अप्रैल में जाके आपका एग्जाम होगा, मार्च अप्रैल में आपका हो सकता है कि एग्जाम होगा, उससे पहले मुझे 1% भी चांस नहीं लगता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच बात है वही मैं बता रहा हूँ कि मुझे 1% भी चांस नहीं लगता है कि अप्रैल से पहले आपका एग्जाम होगा, अप्रैल में ही आपका एग्जाम होगा। क्योंकि ये क्या है, ये जो 1 लाख वैकेंसी निकाला गया था ये एक चुनावी मुद्दा था, 1 लाख वैकेंसी निकाल दिया गया और इसी के नाम पे अगले चुनाव में भी वोट मांगा जाएगा। मैं सीधा खुल के बोलता हूँ इस चीज़ को, गवर्नमेंट का ये जो नीति है कि जैसे बैंक एग्जाम होते हैं वो 1 साल के अंदर हो जाते हैं, एसएससी के एग्जाम भी 2 साल तक चले जाते हैं, बट रेलवे का ऐसा एग्जाम हो जाता है जो 5 साल तक चला जाता है, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। अब ये क्या करेंगे कि अप्रैल में एग्जाम करवाएंगे और 6 महीना तक एग्जाम चलाएंगे, नहीं तो 6 महीना नहीं तो 5 महीना तो एग्जाम चलेगा आपका, 5 महीना एग्जाम चलवाएंगे, 5 महीना मान लीजिए कि अप्रैल से लेके नवंबर अक्टूबर नवंबर तक सितंबर अक्टूबर तक पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद 1 महीना आंसर की निकालने लगा लाने में लगाएंगे, उसके बाद आपका जनवरी 2023 में हो सकता है रिजल्ट निकाले, उसके बाद 2 महीना आपका ज्वाइनिंग मिले, मतलब 2023 से 2023 अप्रैल मई से पहले तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगा नहीं। मैं किसी को भी मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को सच बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग को कुछ करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जहाँ तक रहा बात एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी मुझे लगता है कि 2022 के अंडर में इसका सारा एग्जाम करवा के इसको कंप्लीट करवाया जाएगा एनटीपीसी को, ठीक है ना। ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने दिन से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे 2019 में 24 साल के होंगे वो अब 27 साल के हो गए होंगे, मतलब 3 साल आपका चला गया, आपके लाइफ से 3 साल चला गया रेलवे पे फोकस करने के चक्कर में। तो बच्चों के दर्द को समझना चाहिए, बच्चों के हालात को समझना चाहिए कि किस हालात में बच्चे तैयारी करते हैं, जो घर में होता है किस फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं, कितना मानसिक टेंशन होता है बच्चों के ऊपर, तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा नोटिस आपके लिए दे दिया गया, लॉलीपॉप बोलूंगा मैं इस चीज़ को,
केवल टाइम पास किया जा रहा और कुछ नहीं, चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। जैसे चुनाव का डेट आएगा फिर से वैकेंसी आ जाएगा, 1-1.5 लाख रुपए, 1-1.5 लाख है वैकेंसी। और ये 1.5 लाख जो आया, 1,40,000, उसको मिला के बताया जाएगा 3 लाख हमने वैकेंसी निकाला, अब चलिए हम लोग को वोट दीजिए, तो ऐसा कुछ किया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। जो वैकेंसी है, जो बच्चों का जीवन है, उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। उसको टाइम को सही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर उन तक मेरी ये वीडियो जा रही है तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम करवाएं और रिजल्ट जो है पब्लिश करें, क्योंकि हमारा जो टाइम है, बच्चों का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। और सभी कुछ जल्दी से कर दे तो सब हम लोग का भी भला हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, जल्दी से आप लोग का रिजल्ट निकले, ज्वाइनिंग भी जल्दी से हो। बट ये सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो जल्दी प्रोसेस हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू।